Students, assalamu alaikum wa rahmatullah. It is lesson number 16, the rule of the road, written by A.J. Gardner. It is from English textbook of 12th class. My dear students, yesterday we studied the first part of this three paragraphs we covered yesterday in the previous lecture. Now let's try to understand the next remaining part of the lesson. So yesterday we were here no man's permission. Now it is fourth paragraph. In all these, let me read it first. I hope you must be having a book in front of you, textbook in front of you. In all these and a thousand other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone. Can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. But directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action is restricted by other people's liberty. I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning. If I went on to the top of a pavilion to do it, I could please myself, but if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone interferes with their liberty to sleep in quiet. There are a lot of people in the world, and I have to accommodate my liberty to their liberties. So my dears, in this paragraph, the writer challenges us in all these 10,000 others detail. Aise hi kuch maamlaat, aur isse alawa bhi bahut se maamlaat aise hain, aise mauqe aise hain ki hum apne aap ko khush kar sakte hain, apni azadi ko enjoy karke apne aap ko khush kar sakte hain, lekin usme kisi dusre ko koi pareshani na ho. हमें हमारे पास आज़ादी जो है हमारे पास एक बड़ी सल्तनत है जहां हम खुद आज़ादाना तो हुकूमत कर सकते हैं. हमारी छोटी सी दुनिया अपने घर में हम जो चाहें, बहुत से मामले ऐसे हैं जहां हम आज़ाद हैं, बिल्कुल जो भी चाहें कर सकते हैं, जितना हम दानिशमंद रहना चाहें रह सकते हैं, या जितनी बेवकूफ़ी चाहें कर सकते हैं, जितनी तेज़ या आसान, या जितने पुराने या नए, मतलब जितना हम पुराने रिवायत का पास करना चाहें कर सकते हैं, और जितना उनको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं. लेकिन जब हम इस किंगडम, इस आज़ाद दुनिया, छोटी सी आज़ाद दुनिया से हम बाहर जब आए, तो हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर पीपल. तो हमें, यानी इस वो दुनिया, जो वो छोटी सी दुनिया जिसमें हम आज़ाद हैं, जब हम उससे बाहर आए तो हमें दूसरी दुनिया से वाबस्तगी पड़ती है, सबका पड़ता है. तो वहाँ हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस का ख़ास ख्याल रखना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ, कुछ पाबंदियों का ख़ास ख्याल रखना है. यानी अगर ये मिसाल भी देता है कि अपनी छोटी सी दुनिया क्या है और बाहर की दुनिया क्या है, कहाँ हम आज़ाद हैं और कहाँ हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, इसके लिए राइटर ने एक एग्जाम्पल दिए. मैं मिसाल क्या लिखता है, आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रम्बोन. मैं ट्रम्बोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं ट्रम्बोन को चला सकता हूँ रात के बराबर मिडनाइट, नसब रात से लेकर सुबह सवेरे तक मैं इसको चलाऊँ, मैं बजाऊँ, मैं आज़ाद हूँ, बजाऊँ. यानी मैं यहाँ आज़ादी का खूब इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने घर में हूँ. और इसी तरह मैं हेल वेलिन, ये भी एक माउंटेन है वेल्स में, तो ये कहता है कि मैं वहाँ उस माउंटेन को के टॉप पर जा सकता हूँ, जितने में मुझे खुश करे, जितने मुझे ख्वाहिश हो उतने में जा सकता हूँ. लेकिन जो ही मैं बाहर आ गया, हमसायगी की दुनिया में आ गया,
तो वहां हमें कोई ट्रम्बू नहीं चला सकता, क्योंकि वहां जितना मुझे आजाद है, जितनी मुझे आजादी है ट्रम्बून चलाने की, उतने दूसरे उतने हमसाय या हमारे हमसायों को भी आजादी है कि वो बिना किसी खलल के सुकून से रहे, बिना किसी खलल से वो नींद करें, यानी सो जाए बिना किसी खलल से। तो इसलिए अगर मेरी ये आजादी ट्रम्बून आजादाना तौर चलाना, अगर ये काम मेरा दूसरे किसी दूसरे इंसान के काम में मखल हो जाए, यानी उसके मामले में दखल दे, तो मुझे ये आजादी इट इज रिस्ट्रिक्टेड नाउ, ये आजादी इतना आजाद में नहीं हूँ। तो इसी तरह से देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड आई हैव टू अकोमोडेट माय लिबर्टी टू देयर लिमिट्स, मुझे अपनी आजादी को दूसरे हजारों इंसानों की आजादी के साथ जोड़ खिलवाना है, यानी मुझे मेरी आजादी जो है अपनी पर्सनल आजादी, जितना मैं आजाद हूँ इतना कोई दूसरा भी आजाद है। इस तरह जितना मैं चाहे मैं चाहूँ खेलूं कूदूं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर मेरा खेलना कूदना अपनी मर्जी से कोई ये काम करना किसी दूसरे इंसान की आजादी में दखल डाले, तो समझो कि मैं अपनी इस आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, we all are liable to forget this, and unfortunately, we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. We are all liable to forget. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सब ये भूल जाते हैं, और बदकिस्मती से हमें दूसरे लोगों की नाकामियों, दूसरे लोगों की कमजोरियों पर ज्यादा नजर होती है बनिस्बत अपनी गलतियों की, अपनी कमजोरी। हर इंसान कमजोर है, एवरी बडी इज इम्परफेक्ट, परफेक्शन बिलोंग्स टू गॉड ओनली, देयर इज नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जो ये इम्परफेक्शन जो है, हमारे हर इंसान के अंदर इम्परफेक्शन होती हैं, कमजोरियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है? अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑलवेज, वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स, वी डोंट टेक केयर ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ आवर ओन। अपने का ख्याल हमें, अपने गलतियों का ख्याल हमें ज्यादा नहीं रहता, नजर रहती है दूसरे के लिए, दूसरे लोगों की कमजोरियों पर। तो आगे बढ़ते हैं। आई गॉट इन टू द रेलवे कैरिज एट अ खंड स्टेशन द अदर मॉर्निंग एंड सेटल डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज वुड कॉल एंड आवर स्वॉट एट अ ब्लू बुक। द ट्रुथ इज दैट आई नेवर रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर, I read them for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. Now, if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going on around you. तो एक एक्सपीरियंस कहता है राइटर कि मैं एक रेलवे कैरिज में गया, कंट्री स्टेशन पर मैं चढ़ा रेलवे में दूसरे सुबह, तो वहां मैं बैठा, मैं किताब पढ़ने लगा, जिसको बच्चा बच्चे कह सकते हैं कि बहुत अपनी किताब मेहनत, बहुत मेहनत, स्वार्थ का मतलब है मेहनत, बहुत मेहनत से मैं ये किताब पढ़ने लगा। तो हकीकत यह है कि मैं कभी ब्लू बुक्स नहीं, यानी रिकॉर्ड बुक्स जो हैं, जिस पर रिकॉर्ड हम लिखते हैं, रिकॉर्ड बुक्स को हम, मैं कभी प्लेजर के लिए, मजे के लिए नहीं पढ़ता। अगर मैं पढ़ूं, इट इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम, ताकि मुझे कुछ पैसा मिले, यानी पैसे के खातिर मैं वो किताब पढ़ता हूँ। लेकिन इफ यू आर रीडिंग ए बुक फॉर प्लेजर, इट डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, लेकिन बहरहाल चाहे आप प्लेजर के लिए पढ़े या किसी के लिए भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इट डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, इर्द गिर्द क्या हो तो ये कोई मैटर नहीं करता। यानी अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, इस आगे इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड रेस्पॉन्सिबल क्वाइट एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट गेट फॉर। एट द नेक्स्ट स्टेशन इन कैम अ कपल ऑफ मेन, वन ऑफ होम टॉक टू द फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन लाउड एंड पॉम्पस वॉइस एज आई रेस्लर। तो
With clouds and sections, his voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his sons in the war, and his criticisms of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job. I shut up the blue book, looked out of the window, and listened wearily while the voice thundered on things like these. Now, what the French ought to have done? The mistake the Germans made, if only Asquith had, you know, the sort of stuff. I had heard it all before. Oh, so often it was like a barrel organ crooning out some uninteresting song of long ago. So what does the writer say here? Lekin jab hum koi kitab padhte hoon, jiske liye reasonable quiet ki zarurat ho, yani reasonable bahut pur maqbool andaaz mein khamoshi jahan zarurat ho to wahan to khamoshi honi chahiye, yani kisi ko ab ye haq nahi banta ki wo irad gird shor karta rahe. To kya hua, ek aadmi jo next station par ek couple of men, yani ek joda इस रेलवे कैरेज में चढ़ा और एक ने इस तरह से बातें करना शुरू की कि पूरा सफर उसकी बातों को सुनने में जाया हुआ. तो अब मैं क्या कौन सी किताब पढ़ता, एज ए रेस्टर जो ही मैं एक एक क्लास एक एक सेंटेंस पढ़ता जाता था, एक एक सेक्शन पढ़ता जाता था, उसकी जो आवाज थी वो एक तूफान की तरह, तूफान की तरह उसकी आवाज लगती थी. और उसने क्या कहना शुरू किया अपनी फैमिली के बारे में लंबी दास्तान, अपने बेटों के बारे में लंबी दास्तान कि किस तरह उसके बेटों ने जंग में बहुत अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए. तो उसने इतना शोर शोर मचा दिए हुए अपनी ये दास्तान सुनाई. तो मैं कौन सी किताब अब पढ़ता, एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द जनरल्स एंड द पॉलिटिशियंस सम मेजर माय पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन माय जॉब. तो उसने बड़े बड़े जनरलों को क्रिटिसाइज करने लगा, सियासतदानों की धज्जियां उड़ाई उसने. तो बहुत से मामला उसने इसी अपने बातों में कहे. आई शट अप द ब्लू बुक लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड लिसन वियरली व्हाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन विद थिंग्स लाइक दीज. मैंने अपनी किताब बंद की, बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा और बहुत थकावट के अंदाज में उसकी ये अभी भी जो उसकी आवाज गूंजती थी वो सुनने लगा. आवाज क्या कहता था, वो कहता था ना वर्ड फ्रेंच और टेहर, फ्रांस को ऐसा करना चाहिए था, फ्रांस वालों को ऐसा करना चाहिए था, जर्मन वालों ने ऐसी गलतियाँ की, उनकी हार इसलिए हुई. इफ ऑनली एस्केट है डैश, तो अगर काश एस्केट होता, एक बहुत बड़ा जनरल का नाम है एस्केट, काश एस्केट होता तो जंग का मामला कुछ और होता, जंग का रिजल्ट कुछ और होता. यू नो द सॉर्ट ऑफ स्टफ आई हैड हर्ड इट ऑल बिफोर और सो ऑफन इट वाज लाइक अ बेल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अननोन सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो. तो समझो कि ये बहुत बड़ा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो बजता, यानी मुझे लगता था कि इंसान कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजता है, ढोल जैसा बज रहा है. तो मैं अब कौन सी किताब पढ़ता. नेक्स्ट पैरा, इफ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड इनफ टू टॉक इन लाउड टोन आई डेयर से ही वुड हैव थॉट आई वाज अ वेरी रूड फेलो. इट डिड नॉट ऑकर टू हिम दैट एनीबॉडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू देन टू लिसन टू हिम एंड आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरिज कन्विंस्ड दैट एवरीबॉडी इज इन इट इन इट हैड थैंक्स टू हिम हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी. A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. अगर मैंने उस आदमी से कुछ कहा होता इवन के लोअर टोन में, अरे यानी अगर मैं उससे कहता कि अरे भाई चुप करो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे आप बड़े बड़े बातें कर रहे हो, ऊंची आवाज में बातें कर रहे हो, आहिस्ता बोलो ताकि मैं अपने काम करूँ और आप अपना काम करो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कहता कि कितना रूड फेलो है ये, कितना बेअदब आदमी है ये, इसको पता ही नहीं मैनर्स से कहते हैं. इट डिड नॉट ऑकर टू हिम, ये ख्याल उसके जहन में कभी कूदा ही नहीं कि
anybody could have better to do. Yani her kisi insan ko jo uski ye bakwa sunte the, un insano ko kuch koi behtar kaam bhi tha, uska bakwa sunne se behtar koi kaam tha. And I have no doubt he left the carriage. Aur mujhe yakin hai, jab wo usne carriage chhodi, jab usne ye gaadi chhodi, gaadi se niche utra train se, to usse laga ki har kisi ne bahut shandar safar kiya hoga. Halbuki uski bakwa sunke shayad tamam log bor ho gaye ho chuke the. A reasonable consideration for rights or feelings of others is the foundation of social conduct. Samaji conduct jo hai, samaji ikhlaqiyat jo hai, samaji ikhlaqiyat ki bunyad is cheez par hoti hai ki hum dusron ke huquq aur dusron ke jazbaat ka lihaz kare. In a reasonable consideration of the rights for the rights and feelings of others, dusron ke jazbaat jo hai, dusron ke huquq jo hai, unke liye izzat rakhna, unka khayal rakhna, unka ehtiram rakhna, ye darasal samaji conduct ki bunyad hai. So my dear students, I think it is enough today. Inshallah, the rest will be covered in my third lecture, inshallah, tomorrow. So till then, Allah Hafiz.